प्रसिद्ध छालीवुड निर्देशक मनोज वर्मा निर्देशित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त भूलन द मेज फिल्म 27 मई को देश के सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में रिलीज की जा रही है। छत्तीसगढ़ फिल्म उद्योग के इतिहास में पहली बार कोई छत्तीसगढ़ी फिल्म छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य राज्यों में भी रिलीज की जा रही, जो कि छत्तीसगढ़ फिल्म उद्योग के लिए गौरव की बात है। प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए फिल्म के निर्देशक ने बताया कि ये फिल्म प्रसिद्ध साहित्यकार एवं कवि संजीव बख्शी के उपन्यास पर आधारित है। गौरतलब है कि फिल्म भूलन द मेज अपनी रिलीज के पहले ही कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी है। इस फिल्म को छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के कई बड़े शहरों, मल्टीप्लेक्स और अन्य सिनेमाघरों में रिलीज की जा रही है। फिल्म निर्देशक मनोज वर्मा ने बताया कि फिल्म भूलन द मेज दर्शकों को खूब पसंद आएगी और यह फिल्म द छॉलीवुड के इतिहास में एक और नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। छत्तीसगढ़ की ये पहली फिल्म है जिसे भारत के अन्य हिस्सों में भी रिलीज किया जा रहा है। फिल्म में पीपली लाइव फेम नत्था की भूमिका निभाने वाले ओमकार दास मानिकपुरी इस फिल्म में लीड भूमिका में हैं। हीरोइन अनिमा पगरे इस फिल्म में मुख्य नायिका है। इसके अलावा फिल्म में बॉलीवुड के नामचीन कलाकार मुकेश तिवारी और राजेंद्र गुप्ता ने अपने अभिनय से फिल्म में जान डाल दी है। 27 मई को ये फिल्म पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ ऑल इंडिया रिलीज हो रही है और ये पहला मौका ऐसा है कि जब कोई छत्तीसगढ़ी फिल्म छत्तीसगढ़ से बाहर निकल करके रिलीज हो रही है, तो ये हम लोगों के लिए, सबके लिए एक बड़े खुशी का मौका है। भूलन द मेज ये फिल्म काफ़ी सालों से रिलीज के लिए रुकी हुई थी और नेशनल अवार्ड मिलने के बाद हमने कोशिश की थी कि इसको 19 में ही हम रिलीज़ करेंगे, लेकिन रिजल्ट ही इसका जो है वो 20 में आया और 21 में अवार्ड दिया गया। तो उसके बाद अभी ये प्लान करके कोरोना काल के कारण थोड़ी लेट हुई फिल्म और अभी ये फिल्म 27 मई को सभी जगह सारे सेंटर्स में रिलीज़ हो रही है। हाँ, 27 मई को भूलन द मेज रिलीज हो रही है, जो एक ऐसी छत्तीसगढ़ का पहला फिल्म है जो छत्तीसगढ़ के अलावा और भी कई अन्य प्रदेश में रिलीज हो रहा है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस फिल्म में काम किया हूँ, मनोज वर्मा जी के साथ किया मैंने काम, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, संजीव बख्शी जी ने भी मेहनत किया है और उसका फल आज मुझे मिल रहा है कि एक सबसे बड़ी खुशी ये है कि एक छत्तीसगढ़ी लेवल के फिल्म इतना बड़ा अवार्ड लेके आज इतना इंटरनेशनल लेवल पे रिलीज हो रहा है और 27 मई को रिलीज हो रहा है। आप सभी दर्शकों से निवेदन है, जाइए और फिल्म देखिए, उस फिल्म में क्या चीज़ है वो देखिए, एक स्टोरी देखिए, यही मेरा। अब रोल तो सामने दिख रहा है, लीड रोल है, भकला का करेक्टर है जी। छत्तीसगढ़ की जो जनता की जो समस्याएं हैं, लोक कला है, लोक कथाएं हैं, इसमें फिल्म और विशुद्ध छत्तीसगढ़ी फिल्म आप इसको बोल सकते हैं। भैया थोड़ा याद ध्यान आकर्षण करिए जी, बताएं सर। शुभकामनाओं का दौर चल रहा है, 100-150 लोग खड़े हुए हैं और उनको बोला जाता था कि साहब आप बेटा कोई इसको देखना नहीं है कैमरे को, तो मजाल है कोई एक आदमी कैमरा देख ले। वहां से 5 किलोमीटर दूर वहां पे एक आवास था छोटा सा, जहाँ रहते थे वो 20-25 फीट हाइट में एक शेड लगा हुआ था और रात को पता चला कि वहाँ एक सांप लटक रहा है, तो इस तरीके की चीजें भी वहाँ पे देखने को मिली। पंचायत में गांव की प्रतिनिधित्व कर रही है, खेल के क्षेत्र हो, एजुकेशन के क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में आप लोग क्यों फिल्म नहीं बनाए जाते? अभी फिल्म छात्र मुंबई में काम करने वाले लोग हैं जहाँ वैनिटी मैन रहती है और
हर थोड़ी देर में चाय आ जाती है, कॉफी आ जाती है। ये जंगल में हमारे साथ वहाँ शूट कर रहे थे, हम लोगों की आदत है ऐसे शूट करने की। सवाल का जवाब देने से पहले सबसे पहले जय छत्तीसगढ़, जय जवाब और सब प्रेस वाले को मेरा सवाल किया। अंतर्राष्ट्रीय जो छत्तीसगढ़ी मूवी को मिला तो कमर्शल मूवी नहीं है, जैसे छत्तीसगढ़ में भी कमर्शल मूवी बन रहा है, वैसे कमर्शल मूवी नहीं है। हैं मुख्य कलाकार हमारे फिल्म के, हमारी फिल्म की हीरोइन अनिमा जी यहाँ पर हैं, मदन चौहान जी यहाँ पर हैं, तुलेन पटेल जी हैं, ये एसोसिएट डायरेक्टर भी हैं और हमारे फिल्म के संपादक भी हैं जिन्होंने फिल्म एडिट की। फिल्म के रिकॉर्डिस्ट हैं प्रभु जी, आए क्या बता रहा हूँ कि ये पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म है जो विदेशों में लगी फेस्टिवल्स में क्षेत्रीय फिल्म कैटेगरी में इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। ये पहली ऐसी फिल्म है जो राष्ट्रीय पुरस्कार ली है। जैसा आप जानते हैं संजीव बख्शी जी के उपन्यास भूलन कांदा पर आधारित है और भूलन कांदा जैसा आप लोग सभी जानते हैं मेरे ख्याल में छत्तीसगढ़िया लोग हैं तो कि भूलन कांदा एक ऐसा पौधा है जिस पर आपका पैर पड़ जाए तो आप रास्ता भटक जाते हैं और ताकि आपको छूता नहीं है जगाता नहीं है, आप वहीं भटकते रहते हैं गोल गोल। तो क्या हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसका पैर उस भूलन पे पड़ गया, फिल्म का हमारा कंसेप्ट है। कहानी तो आप लोग फिल्म में जब आएंगे तब देखेंगे, बहुत ज्यादा व्यस्त है लेकिन आज मेरे स्पेशली खासतौर पर इसे बोलने के लिए मैंने इनको आमंत्रित किया हुआ है यहाँ पे। छत्तीसगढ़ी फिल्म है जो छत्तीसगढ़ के बाहर निकल करके बैंगलोर में है, भोपाल में है, नागपुर में है, ये सारी जगहों पर फिल्म एक साथ रिलीज हो रही है। मैंने बताया सर भूलन कांदा पर आधारित है कि आप अगर भूलन घूम देते हैं और रास्ता भटक जाते हैं तो तब तक भटकते रहते हैं जब तक कोई आके छूता नहीं आपको जगाता नहीं। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.